तो ये अपेक्षा रख रहे थे इनके स्वास्थ्य को देख के, इनकी गरिमा को देख के जो है इनको बरी किया जाएगा, तो यहाँ तक सोच रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की तरह क्या लग रहा है इन्हें भी बरी कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर आज सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। आपको पता है कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में आज सजा का ऐलान होने वाला था, जो हो भी चुका है। लाइव सिटीज पर सबसे पहले आपने खबर देखी, लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। अब लालू प्रसाद यादव को लेकर जैसे ही खबर आई, जैसे ही सुनवाई पूरी हुई, सीबीआई कोर्ट ने जैसे ही अपने फैसले को सुनाया, कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसर गया। जितने भी राजद समर्थक थे वो मायूस हो गए और क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सबसे पहले आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुनिए, क्या कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को सजा होने के बाद। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की तरह ये बड़ी हो जाए, मगर बड़ी हुए नहीं। 7 साल की सजा दी गई है, 5 साल की सजा सुनाया गया, क्या कहिए। और हम तो ये अपेक्षा रख रहे थे इनके स्वास्थ्य को देख के, इनकी गरिमा को देख के जो है इनको बरी किया जाएगा, हुआ नहीं। 5 साल की सजा दी गई, और हम तो यहाँ तक सोच रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की तरह क्या लग रहा है इन्हें भी बरी कर दिया जाए। मगर खैर, जज साहब के फैसले पे हम किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब जो उनका निर्णय है वो सिरोधार्य है और आगे कोर्ट में जाया जाएगा। संतुष्ट नहीं है। नहीं, मेरे को लगता था व्यक्तिगत न्याय किया जाएगा, मगर जज साहब को फैसला लेना है। जज साहब ने सब अपना प्लस माइनस जो कानूनी पक्ष है उसको देख के उन्होंने निर्णय दिया है 5 साल। तो सुना आपने, काफी मायूसी तो है ही, जाहिर सी बात है। राजद के बड़े नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी और लालू प्रसाद यादव को लेकर जो फैसला आने वाला था, उनके लिए जो सजा का ऐलान आज होने वाला था, उस पर सभी की निगाहें थी। न सिर्फ एक अब्दुल बारी सिद्दीकी बल्कि राजद के तमाम कार्यकर्ता, राजद के तमाम समर्थक, राजद के तमाम नेता और खासतौर पर लालू का परिवार भी इस फैसले के इंतजार में था। और ये कहा जा रहा था, समर्थक हालांकि ये बात कह रहे थे कि लालू यादव को राहत मिलेगी, लेकिन जो विरोधी थे वो लगातार लालू प्रसाद यादव को इस बात का हवाला दे रहे थे कि जो उन्होंने किया है वो भरेंगे। आपने पिछले वीडियो में शक्ति सिंह यादव को भी सुना जो राजद के समर्थन में बोल रहे थे, उसके अलावा आपने बीजेपी के नेताओं को भी सुना, मंगल पांडे को सुना, हमारे संवाददाता शिवम जो है वो बता रहे थे। ऐसे में राजद के जितने भी समर्थक हैं वो लालू प्रसाद यादव को लेकर आई इस खबर के बाद मायूस हो गए हैं, हालांकि उम्मीद कुछ और जता रहे हैं। जैसा कि आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुना, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को यह उम्मीद है कि आगे चलकर लालू प्रसाद यादव को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान हो चुका है, 5 साल की सजा होगी, उसके साथ ही 60 लाख रुपए जो है जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है राजद समर्थक मायूस हो चुके हैं। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।